मैं हूँ डॉक्टर फहद मिर्ज़ा. आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन इन जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल. सो दैट इज़ माय इंट्रोडक्शन एंड नाउ वी गोना मूव ऑन टू योर क्वेश्चंस. खूबसूरत चेहरा प्रोपोर्शनल चेहरा होता है, अ मोर प्रोपोर्शनल फेस एंड इट्स कॉल्ड द गोल्डन रेशियो ऑफ 5 विच इज 1:1.618. हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने ये इंस्टिंक्ट डाल दिया है कि ये होगा तो हमें अच्छा लगेगा, जो भी चीज़ इस प्रोपोर्शन के अंदर आएगी हमें अच्छी लगेगी. ठीक है, इसको हम गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, ब्यूटी रेशियो भी कहते हैं. बूढ़ा होना तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बूढ़ा लगना कुछ हद तक आपके हाथ में है. ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकें, ठीक है, जिससे आपकी अपीयरेंस में से 5 साल या 10 साल टेक ऑफ हो जाए, उसमें क्या बताइए. मेरे लिए ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट, इट्स अ लाइन ऑन स्टोन के 18 साल से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता, स्पेशली एस्थेटिक प्रोसीजर्स का. मैं तो बिल्कुल भी इस बात का कायल नहीं हूँ. और 21 साल से पहले कोई भी फिलर्स या कोई भी ऐसी सर्जरी जो फेस के फीचर्स को चेंज करे, मैं उसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ. इट्स कॉल्ड द पिलो फेस. ओके, मैं अभी आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ. डैगर चिन, बट चीक्स, डक लिप्स, एवटॉर नोज, पिलो फेस. इसको हम कहते हैं ओवरफिल्ड फेस सिंड्रोम. और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अगर किसी ने आपसे पूछा ना कि आपका डॉक्टर कौन है, तो मैं फेल हो गया. बिकॉज मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो नेचुरल ना लगे. मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने जो ब्यूटी क्रिएट की है, आप उसी को सीखें और आप उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश करें. दैट्स इट.